तो एक बार की बात है, एक राजा के कक्ष में एक जू रहता था। राजा के रात के सो जाने के बाद जू पलंग की चुल से बाहर आता था और राजा का खून बड़े आराम से पीता था। बड़े आराम से उसकी जिंदगी कट रही थी। राजा का खून वो इतने ध्यान से पीता था कि आज तक राजा को पता ही नहीं चला कि कोई उसका खून पी रहा है। एक दिन उसी कमरे में एक खटमल आ गया। जू ने जब देखा कि खटमल राजा के बिस्तर की ओर जा रहा है तो वो कूद पड़ा बीच में और खटमल को रोक कर कहा, ठहरो, कहां जा रहे हो? ये मेरा अधिकार है, यहां से चले जाओ, भाग जाओ यहां से। खटमल बड़ा चालाक था, उसने अपने दोनों हाथ जोड़े और फिर कहा, अरे जू भाई, कोई अपने शत्रु के साथ भी ऐसा व्यवहार नहीं करता जैसे तुम कर रहे हो। तुम तो बड़े ज्ञानी मालूम होते हो। मैं तो मेहमान हूं तुम्हारा, और मेहमान तो देवता के समान होता है ना बुद्धिमान? और तुमने तो शास्त्रों को भी ध्यान से पढ़ा होगा, तुम्हें तो अच्छे से मालूम है, कोई अगर मुसीबत के वक्त तुम्हारे पास आए तो उसे धुतकारना नहीं चाहिए। अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, मेरा घर उजड़ गया है, तो मैंने सोचा कि मैं जू भाई के पास जाता हूं, जो सर्वशक्तिमान है, राजा महाराजाओं का खून पीता है, वो मेरी मदद करेगा। अब तुम ही फैसला करो, जो तुम फैसला करोगे मैं वही स्वीकार करूंगा। दरअसल खटमल बहुत चालाक था और दुष्ट। एक दिन जब वो दरबान का खून पी रहा था तो उसकी नजर राजा पर पड़ी, और फिर ना जाने उसे क्या हुआ, उसने सोचा कि वो राजा का खून पिएगा, और उसने अपनी जांच पड़ताल शुरू करी तो उसे पता चला कि राजा के कमरे में एक जू का अधिकार है। उसने एक प्लान बनाया और प्लान के अकॉर्डिंग वो जू से मिलने राजा के कमरे में आया और ज्ञान धर्मों और शास्त्रों की बात करने लगा। और इधर जू अपनी प्रशंसा न्याय धर्म की बात सुनकर कंफ्यूज हो गया, काफी देर तक चुप रहा और थोड़ी देर बाद सोचने के बाद कहने लगा, मैं राजा का खून बड़े आराम से पीता हूं, आज तक राजा को कोई तकलीफ नहीं हुई, और अगर मैं ऐसा ना करता और बेरहमी से राजा का खून पीता तो तुम्हें लगता है अब तक मैं जीवित रह पाता? नहीं, मैं तुम्हें यहां रहने की अनुमति दे सकता हूं, मगर जू भाई, मुझे सब मंजूर है, मैं भी उतनी ही आराम से राजा का खून पीऊंगा जितनी आराम से तुम पीते हो, राजा को कोई तकलीफ नहीं होगी, मैं वचन देता हूं। वो दोनों इस तरफ बातें कर रहे थे और वहां से राजा कक्ष में आ गया। राजा को देखकर खटमल के मुंह में पानी आ गया। राजा अपने बिस्तर पर लेटा, उसने बत्ती बुझाई और सोने चला गया। राजा के खून की गंध खटमल के नाक में घुस रही थी और उसे पागल कर रही थी। उससे एक पल भी रहा नहीं जा रहा था। उसने जू से कहा, जू भाई, अब मुझसे रहा नहीं जा रहा, मैंने बड़े दिनों से कुछ खाया नहीं, मैं बहुत भूखा हूं, तुम्हारी आज्ञा हो तो। उसने अपनी बात पूरी भी नहीं करी और वो भागता हुआ राजा के पलंग पर चढ़ा, पलंग से सीधा उसके कंधे पर कूदा और कंधे पर अपने अपने दोनों दांत काट दिए। बेचारा जू कुछ ना कर पाया और इतने में राजा चीख कर उठा और कहने लगा,
कोई है, कोई है? जी महाराज, दो सिपाही भागते हुए आए। राजा ने उनकी तरफ देखकर कहा, मेरे बिस्तर पर खटमल और जू है, उन्हें बाहर निकालो, उन्होंने मुझे काटा है, मौत के घाट उतार दूं उन लोगों। दोनों ने वही किया, उन्होंने बिस्तर को उठाया और देखने लगे, लेकिन खटमल राजा को काटते ही जल्दी से पलंग के नीचे चुल में छुप गया था। बेचारे जू को इतना वक्त नहीं मिल पाया। उन दोनों की नजर जू पर पड़ गई। जू को अपने हाथ में लिया और राजा के सामने ही मसल दिया और खत्म कर दिया। बेचारा खटमल डर के मारे वहीं रहा, लेकिन सबसे ज्यादा और सबसे बुरी कीमत चुकानी पड़ी उस जू को, जिसने बिना बात पर उस खटमल की बातों पर भरोसा कर लिया था।